जैंट मटका बिरयानी वाली चुड़ैल। रायपुर नाम के गांव में करिश्मा नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। अपने पति के मौत के बाद वो अपनी एकलौता बेटा सुभाष के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा करती थी। सुभाष की उम्र 10 साल था। जीवन गुजारने के लिए करिश्मा रेस्टोरेंट चला रही थी। करिश्मा का हाथ का पकवान तो अच्छा था, पर उसके ठीक सामने जीवन नाम का और एक रेस्टोरेंट वाला रहता था। वो हमेशा करिश्मा के खिलाफ दुष्प्रचार करता था। उसके होटल में खाने के लिए जो भी आते थे वो ऐसा कहता था, क्या आपको मालूम है ग्राहक बाबू, वो करिश्मा है ना, वो अपने खाने में मिलावटी सामान मिलाती है। उसके रेस्टोरेंट में जाकर अगर कोई खाना खाएगा तो समझिए अस्पताल में बिल भरेगा। मैं तेल से लेकर आटा तक, मटन तक, चिकन तक बारीकी से देखकर खरीदता हूँ, और वो हर चीज में कंजूसी करती है। ग्राहक चाहे मरे पर उसकी कंजूसी कभी नहीं मरेगी। कृपया आप सब लोगों को बता दीजिए, करिश्मा के रेस्टोरेंट में जाना मतलब शमशान घाट का रास्ता नापना होगा। जीवन की बात सुनकर ग्राहक डर गया और वो जाकर गांव के चौराहे पर सब लोगों को बुलाकर करिश्मा के बारे में भला बुरा कहा। गांव के लोगों में से एक आदमी करिश्मा के तरफ से बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर करिश्मा तो बहुत अच्छी है, दिल की वो बहुत ही अच्छी है। वो खाने में मिलावटी सामान मिलाएगी, सपने में भी मैं नहीं सोच सकता। तुम पगड़ा गए हो भोलू, लगता है करिश्मा ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। कहते हैं वो काला जादू भी करती है, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें तुम कर रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सस्ते दाम में सामान खरीद के उससे खाना बनाती है। अगर तुझे मरना है तो जाकर उसके रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा, जा मर। ग्राहक की बात सब लोग मान गए। गांव वाले सभी एकजुट होकर करिश्मा के रेस्टोरेंट के पास गए और सब लोग मिलकर करिश्मा को बुरा भला कहकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ किए। उससे करिश्मा कर्जे में डूब गई। उसको ये सब मालूम पड़ गया कि ये जीवन का चाल है, और वो बेबस होकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद वो चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद वो जीवन का असली रूप गांव वालों को दिखाने के लिए जीवन से बदला लेने के ठान ली। चुड़ैल बनकर वो सीधा जीवन के पास गई। मुझे पता है जीवन, गांव वालों को मेरे खिलाफ तूने ही भड़काया है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम गांव वालों के सामने अपनी गुनाह कबूल नहीं किए तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। मुझे मेरे बेटे की परवरिश करना है, वो बेचारा मेरे बगैर नहीं जी सकता, उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जीवन डर के मारे करिश्मा के सामने हामी भरा और गांव वालों के सामने सच कबूल किया। गांव वाले जीवन को मार मार के गांव से बेदखल कर दिए। करिश्मा फिर से उस गांव में रेस्टोरेंट खोली। इस बार वो जैंट मटका बिरयानी बनाने में माहिर बन गई। जो ग्राहक गांव वालों को भड़काया था वो आकर करिश्मा के पैरों के सामने गिरा। करिश्मा बहन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जान तो वापस नहीं ला सकता, पर मैं एक वादा करता हूँ, आज से मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का मैनेजर बन के रहूंगा और तुम्हारे बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसको मैं अव्वल बनाऊंगा। मैं ये जिंदगी भर के लिए अपने आप को पनिशमेंट दे रहा हूँ, मुझे माफ कर देना बहन। करिश्मा ने उस ग्राहक को माफ कर दिया और करिश्मा की जैंट मटका बिरयानी उस गांव में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर बन गया। करिश्मा चुड़ैल बनकर ही अपने बेटे की परवरिश करने लगी। उसका बेटा अव्वल बना। नारायणपुर नाम के गांव में कौशल्या नाम की एक औरत रहा करती थी। कौशल्या का पति राघव को नारियल पेड़ के बाग हुआ करते थे। उसके बाग का नारियल बहुत ही स्वादिष्ट था। वो अपने बाग के नारियल को देश भर में रवाना करता था। उसी गांव में रुद्रा नाम का और एक नारियल व्यापारी रहा करता था। रुद्रा के बाग में जो नारियल थे उस नारियल के पानी में स्वाद ज्यादा नहीं थे। राघव की तरक्की देखकर रुद्रा जलता था। राघव शेर दिल इंसान था, वो किसी से नहीं डरता था, इसलिए गांव का सभी लोग उससे एक तरफ से डरते थे तो दूसरी तरफ जलते थे। एक दिन कौशल्या आकर राघव से, ओ जी, अड़ोस पड़ोस वाले कोई हमसे बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों उनको हमारे ऊपर इतना खुन्नस है। मैं किसी पूजा पाठ पर बुलाती हूँ तो भी कोई नहीं आते हैं। मैं मानती हूँ आप किसी से नहीं डरते हैं और आपकी मेहनत हमेशा रंग लाती है, पर दुनिया में सबके साथ चल के चलना होता है जी। हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो ही हम समाज में जी सकते हैं। मेरी पगली पत्नी कौशल्या, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो भी हमें लोग नहीं पूछते। अब हमारी मेहनत से हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हम लोगों को भाव नहीं दे रहे तो भी लोग हमसे जलते हैं। लोगों का स्वभाव यही है, कहते हैं ना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या कहना, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। किसी के ऊपर ध्यान ज्यादा मत दो, मौका मिलेगा तो वो हम लोगों को दबाकर मार भी सकते हैं। राघव की बात सुनकर कौशल्या चुप हो गई। एक दिन रुद्रा गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, राघव की तरक्की देखकर मुझे बहुत जलन हो रहा है। शहर में बड़े बड़ों के साथ उसका उठना बैठना होता है। मैंने सुना है अगली बार वो इलेक्शन में भी खड़ा हो रहा है। उसकी पहुंच इतना ज्यादा है कि वो आपको ही हटाकर आपके ही सीट में बैठ जाएगा। मैंने बस आपको चेतावनी देने का काम किया है। पंछी चाहे जितना भी फड़फड़ाए, उसके पर कटने से वो आखिर जमीन पर ही आकर गिरेगी। मैं भी राघव को देख रहा हूँ, वो इस गांव के किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। उसके नारियल देश भर में मशहूर हो गए और मशहूर लोगों को हम पसंद नहीं करते। रुद्रा और सरपंच दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए और उसी रात सरपंच के कुछ लोग आकर राघव के घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दिए। उस आग में राघव, कौशल्या के साथ साथ उनके परिवार के सभी लोग मारे गए। कौशल्या मगर चुड़ैल बन गई। कौशल्या बदले की आग में जल रही थी। वो अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी। उसको मालूम पड़ गया कि ये सब सरपंच और रुद्रा के द्वारा किया गया कारनामा था। चुड़ैल बनने के बाद वो सीधा रुद्रा के पास गई और रुद्रा को अपने ही नारियल के बाग में नारियल के पेड़ के ऊपर लटका के मार दी। और बाद में वो सरपंच के यहाँ गई और सरपंच के साथ बात करते हुए, सरपंच, हमने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा था? तुम उस रुद्रा की बातों में आकर हमारे परिवार को तबाह कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी सास ससुर और मेरा पति सब लोग जल के मारे गए। उनके अंदर बदले की भाव नहीं था, इसलिए वो तुमसे बदला लेने नहीं आए। पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मेरे नारियल के पेड़ को कोई छू नहीं सकते। भले ही मैं मेरे सारे नारियल के बाग को गरीबों में बांट दूं, मैं अपने बाग को सरकार को मुफ्त में दे दूंगी, पर तुम लोगों के हाथ आने नहीं दूंगी। और तुझे तो मैं अभी खत्म कर दूंगी। सरपंच बहुत विनती करने के बावजूद कौशल्या ने उसके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाई। कौशल्या इतना गुस्से में थी कि उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से सरपंच को सर से लेकर पांव तक चीर फाड़ दिया। बाद में वो अपने नारियल के बाग को अनाथ आश्रम में पलटा के गरीब बच्चों की सेवा में जुट गई।